भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आज हम फिर हनुमान जी के भक्तों के लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है गांव में रहने वाले रुद्र की, जो कि पूरा नास्तिक था। उसे भगवान की भक्ति में कोई विश्वास ही नहीं था। और कहते हैं ना, जो सच्चा नास्तिक होता है वही सबसे बड़ा आस्तिक भी होता है। मगर रुद्र के लिए आस्तिक बनने की यात्रा अभी काफी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। वो एक ब्राह्मण कुल से था। वो डेली अपने पिताजी के साथ हनुमान जी के मंदिर जाता था, मगर उसके पिताजी पूजा के लिए अंदर जाते थे और वो मंदिर की सीढ़ियों पे भी पैर नहीं रखता था। वो वहीं बैठकर लोगों को चिढ़ाता था और कहता था, ये पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, क्यों बिना फालतू अपना टाइम बर्बाद करते हो। और उसके पिताजी हनुमान चालीसा का जाप जोर जोर से करते थे, जो कि रुद्र के कानों तक साफ साफ सुनाई देती थी। रुद्र कई बार ऐसी मुसीबतों से बचा था जिससे बचना नामुमकिन था। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पिताजी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा उनसे अपने बच्चे की सुरक्षा की प्रार्थना किया करते थे। एक बार तो रुद्र जंगल से जा रहा था, तभी उसके सामने शेर आ गया था। वो उसे देखकर ही इतना घबरा गया कि वो बेहोशी हो गया। मगर वो शेर जैसे ही उस पर हमला करने वाला था, अचानक से एक परछाई दिखी और वो शेर भाग गया। एक दिन की बात है, रुद्र को उसके पिता ने कुछ पैसे देके उससे 20 कोस दूर उसके चाचा के पास जाने के लिए कहा और बोला कि शाम होने से पहले आ जाना, क्योंकि बीच में एक सुनसान सा जंगल पड़ता है जहाँ कुछ चुड़ैलों का वास था। उसके पिता ने यह भी कहा कि जाते वक्त मंदिर को नमन जरूर करना, मगर वह एक नास्तिक था और वो भला ऐसा क्यों करेगा। फिर वो अपने चाचा को पिताजी के दिए हुए पैसे देकर वापस लौट रहा था, मगर चाचा के यहाँ ज़्यादा देर रुक जाने की वजह से उसे काफ़ी समय लग जाता है और शाम हो जाती है। और वो जंगल में जैसे ही पहुँचता है तो अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक जाता है। वो जैसे ही थोड़ी आगे और चलता है, तभी उसे एक बुढ़िया दिखाई देती है। वो उससे रास्ता पूछता है तो वो बुढ़िया उसे गलत रास्ता बता देती है, क्योंकि वो एक चुड़ैल थी। आगे चलकर जैसे ही वो थोड़ी दूर और चलता है, तभी उसे बहुत सारी चुड़ैलें घेर लेती हैं। रुद्र तो मानो डर के पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि ना वो भूत प्रेतों पे विश्वास रखता था और ना ही भगवान में, मगर अचानक इतनी सारी चुड़ैलों को देखकर वो बहुत घबरा जाता है। मगर अब इसे एक संजोग मानो या प्रभु का चमत्कार। उसने जैसे ही जय श्री राम जय बजरंगबली नाम लेकर हनुमान चालीसा का जाप चालू किया, तो मानो जैसे वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हो। और जैसे ही हनुमान चालीसा खत्म हुई, तभी हनुमान जी वहां प्रकट हुए और उन सभी चुड़ैलों को जलाकर खाक कर दिया। और फिर रुद्र ने भी सर झुकाकर सच्ची श्रद्धा से उनको नमन किया। रुद्र को हनुमान जी ने दर्शन इसलिए दिए थे क्योंकि उसने सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से उनको याद किया था, क्योंकि रुद्र ने गांव से निकलते वक्त अनजाने में ही सही हनुमान जी को नमन किया था। जब गांव से निकल रहा था तो तभी मंदिर के सामने उसके हाथ से कुछ सिक्के नीचे गिर जाते हैं। उन्हें वो उठा के अपने सर से चूम लेता है और हनुमान चालीसा का जाप वो इसलिए कर पाया क्योंकि कई सालों से वो हनुमान चालीसा का जाप सुन रहा था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भगवान को पूजने के लिए ना ही किसी आरती की थाली की जरूरत है, ना ही किसी भेंट चढ़ावे की। जरूरत है तो एक सच्ची आस्था और सच्ची श्रद्धा की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।